Assalamualaikum friends, मैं हूँ आपका ghost revolution, आपके अपने YouTube channel Basha Gaming K में एक बार फिर welcome है। आज आपका अपना YouTube channel Basha Gaming K आप लोगों के लिए लाया है Tomb Raider। देखिए मुझे एक भाई का comment आया था, कहते हैं कि यार एक Tomb Raider पे 4K video बनाएं। देखिए मैंने 4K video Tomb Raider पे बना लिया है। मैंने कहा यार अगर शुरू से गेम प्ले करता हूँ तो आई सीरियस फुल वीडियोस क्रिएट करने पड़ेंगे, फुल वीडियो बनाने पड़ेंगे, मुझे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। मैं यहीं से ही खेल रहा था मगर मैंने यहीं से ही अपलोड कर दिया। देखिए चलते हैं हम अपने गेम की जाने, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि आज का दौर में ना टाइम स्पेंड करना हर किसी के बस में नहीं होता। देखिए जो Tomb Raider की देखिए शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि Tomb Raider में होता क्या है क्या नहीं होता। देखिए जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है लारा। जो लारा है, लारा करती क्या है? देखिए लारा के जो वाली साहब मतलब फादर होते हैं ना, वो है रिसर्चर्स होते हैं, बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं। वो ना एंटी चीज़ें मतलब किसी चीज़ पर रिसर्च वगैरह करते होते हैं, तो उनके वालिद की डेथ हो जाती है। जो एक बुक्स होती है, जो एक बुक्स के ऊपर ही एक गेम बनी हुई है जिसे Tomb Raider गेम है। ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड गेम है। देखिए लो चलते हैं अपने गेम की जाने। सबसे पहले हमने करना क्या है, देखिए इस वीडियो में जो हमारा है हमने ना लॉग इन करके तो हमने अपने मिशन को पार करना है। देखिए मिशन को पार कैसे करते हैं, तो हमने ये इसको काटना है, रस्सी को। सबसे पहले रस्सी को काटेंगे तो वो जो वो है ये लिफ्ट नीचे गिर जाएगी, लिफ्ट आ जाएगी। सही, देखिए लिफ्ट आई है। अब इसके ऊपर हमने जंपा मारना है लिफ्ट के ऊपर। किधर गई? ओह माय गॉड यू आर दैट सो लकेट। चल ओके ओके ओके, अब यहाँ से ठीक है। अब ऐसे हम हमने बर्फ के ऊपर जाना है, यही साथ से ना एंटी करके ना बर्फ के ऊपर हंट करना है। तो देखिए आपको आपने सबसे पहले मैं आपको स्टोरी का बताऊँ कि आपने अपने एक लाइट दबानी है कि जहाँ पे ना लाइट शो होगी, ठीक है, लाइट जहाँ पे महसूस होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा हमने वहाँ पर जाना है। ठीक है, ये मैंने गलत किया था, मुझसे मिस्टेक हुई, मैं दोबारा से चढ़ूँगा इसके ऊपर। दोबारा से ऊपर चढ़ने के बाद मैंने ना साइड पे जंप करना है, ठीक है। मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए किया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैंने साइड पे जंप करना, साइड पे जंप करूँगा तो मैं उसके ऊपर पहुँचूँगा ना, ठीक है। जब ऐसे ही हिंट लगे होंगे तो उनके ऊपर मैं जंप करूँगा तो उनके ऊपर से ही मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। लो चलते हैं अपनी गेम की जानी, पहले ही गेम की जानी है। आप लोगों का टाइम वेस्ट के बगैर ही मुख्तलिफ चीज़ें के रिएक्शन होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों की एंट्रीज होती हैं। देखिए ठीक है, पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम रेजिडेंट एविल 5 पे भी खेले हैं, 6 पे भी खेले हैं, ठीक है, और हमने प्रोटोटाइप गेम प्ले भी किए थे, जिस वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ही उनमें उनको कैसे पार करते हैं मिशन को, कैसे मिशन को कैसे क्या करते हैं, कैसे अनलॉक करवाते हैं मिशन को। अगर किसी ने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी तो वो काइंडली मेरी वीडियो पहले जाके देख सकता है। देखिए मैं इसमें अब आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पर होता है पानी वगैरह आता है मेरे ख्याल से, आई थिंक जो पानी वगैरह आता है ना उसमें होता है करंट, वो हमने पहले करंट को उतारना होता है, तो हमने करंट को ना आई थिंक साइड पर करना होता है, तो फिर उस वजह से हम चलते हैं आगे, ठीक है। और ये Tomb Raider जो गेम है ना, ये देखिए अब मैं आप लोगों को और बताने जा रहा हूँ। देखिए ये देखें, ये नीचे अब मैं नीचे गिरूँगा तो ये खुल जाएगा, तो जिसकी वजह से मुझे डेथ भी हो सकती है इसमें, तो ये आपने ख्याल करके देखना है। और जहाँ पर ये आग वगैरह आती है, जहाँ पर ये हमारा एक ब्रेक होता है, इस ब्रेक में हम अपनी गेम सेव भी कर सकते हैं, न्यू वेपन्स भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें अनलॉक करवा सकते हैं, ठीक है। और इस गेम को खेलने के मुख्य टिप्स हैं जो मैं आके आप लोगों को अब देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको ना खेलते हुए आप लोगों को माइंड में रखना चाहिए कि आप किसी चीज़ को ना वो ना करें, जिसको कहते हैं कि माइंड पर जोर ना दें, या माइंड या कहने यार मैंने खेलनी है, ये नहीं, नहीं आप सिर्फ सुकून से रिलैक्स होकर खेलें, मगर ये गेम इतनी मुश्किल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार ये बहुत मुश्किल गेम है, ये है वो है, तो आपको सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि जो आप ये आपका ब्रेक होता है, इस ब्रेक में ना आपके ना जो वेपन्स होते हैं इनकी पावर, इनकी पर्सनैलिटी और इनके ना मतलब हिट करने के, इनके
वो करने के मुख्तलिफ अपग्रेड्स आ सकते हैं, वो आप लोगों को करने होंगे। तो आप लोग करेंगे तो आपका जो आप अगर एक कमान एक तीर से अगर किसी एनिमी को किल करेंगे तो वो एक ही उसमें किल हो जाएगा, और वो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अपने दोबारा गेम की जानिब। तो जस्ट ब्रेक यू आर आल्सो बट दैट इज देखिए चलते हैं हम गेम की चलने दोबारा से हमने गेम स्टार्ट हो गया। देखिए मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि लाइट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है लाइट का इशू है, तो आप लोग वो करवा लें, यूपीएस लगवा लें। देखिए अगर यहाँ पर मैं अब किल करूँगा तो इनको गन से करूँगा ना, तो ज़्यादा रश हो जाएगा, ज़्यादा इनको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं इनको ना किल करने का मुख्तलिफ है कि मैं इनको ना कमान से किल करूँगा। जब कमान से किल करूँगा इनको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से हो रहा है, कहाँ से किल हो रहा है, कहाँ से मुझे हमें मार रहे हैं। और सबसे पहले जो ये डब्बे पड़े हुए हैं, इन डब्बों का एक असूल ये है कि अगले जब हम एनिमी को मारते हैं, अगले एनिमी को मतलब दिखाते हैं, तो वो स्मोक पैदा हो जाती है इससे। इसे जब स्मोक पैदा होती है ना तो अगला एनिमी देख नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, जिस वजह से एनिमी परेशान हो जाता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है चलते हैं हम अपनी गेम की जानिब दोबारा। आप लोगों को बताएंगे कि मैंने जो तीन चार जो एनिमी थे वो मैंने किल कर दिए हैं, वो और टाइम वेस्ट किए ही। तो यहाँ पर अभी आगे जाकर दो दो तीन एनिमीज और होंगे जिनको किल करना होगा, बहुत मुश्किल है उनको किल करना। देखो उनको भी हम इसी तरीके से किल करेंगे जैसा कि मैंने इनको क्या है। देखें दैट इज योर माय गॉड ही इज पंचुअल दैट शो मोर। देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि गन से किल करते हैं, गन से किल करने का एक नुकसान ये होता है कि अगले को पता चल जाता है यहाँ पर से फाइल चल रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, जिस वजह से एनिमीज होशियार हो जाता है। तो एनिमीज को पता चल जाता है कि ये कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, कहाँ पर ये हमें किल कर रहा है, क्योंकि वो आपको किल करना आसान और जल्दी से किल कर देता है, जिस वजह से उनको पता चल जाता है यार यहाँ से, जिस वजह से वो कहते हैं यार ये गेम बहुत मुश्किल है, ये गेम ये है कि हमारे से पार नहीं हो रहे, ये नहीं हो रही। अब इस गेम का भी कुछ एक तरीका है, कुछ असूल है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो सबसे पहले अब यही तरीका है जहाँ पर करना है, यहाँ पर हमने ए हंट करके हमने उस साइड पर जाना है। पहले तो उस साइड पर जाके तो हमने ना उस साइड पर जाने के बाद तो फिलहाल हम उसी साइड पे ही जाएंगे, तो अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि वहाँ पर करना क्या है। जो अगली वीडियो में ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक इंटरेस्टिंग और हॉरर और एक्शन फुल इंटरेस्टिंग मूवीज ले जाऊंगा, जिस वजह से आप लोगों को पता है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत अमेजिंग वीडियोज लेके आता है। आपका अपना यूट्यूब चैनल बादशाह गेमिंग के लिए मजीद वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। मैं हूँ आपका गोस्ट मिस्टर राव।